21 मई 2024 को यमन के हुती ने दावा किया था कि उसने एक बार फिर से लाल सागर में अमेरिका के सुपर पावर ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया है। हालांकि उस वक्त हुती ने इस दावे को लेकर कोई वीडियो फुटेज जारी नहीं किया था और न ही अमेरिका की मिडिल ईस्ट में तैनात सेंटकॉम ने इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि हुती ने पिछले एक हफ्ते में अमेरिका के 2 MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और अब हुती ने अपने इस दावे की पुष्टि करते हुए एक वीडियो फुटेज जारी किया है, जिसमें अमेरिकी ड्रोन पर हुए हमले को फिल्माया गया है। हुती का कहना है कि अमेरिकी ड्रोन अल बायदा इलाके में शत्रुतापूर्ण अभियान को अंजाम दे रहा था, इसी दौरान यमन के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया है। हुती का कहना है कि इस ड्रोन को स्थानीय स्तर पर निर्मित जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल से गिराया गया है। हुती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया है। نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحه اليمنيه وبعون الله تعالى في اسقاط طائره امريكيه نوع MQ-9 اثناء تنفيذها مهام من عدائيه في اجواء محافظه البيضاء، وقد تم استهداف الطائره بصاروخ ارض جو محلي الصنع، وسيتم توزيع مشاهد الاسقاط لاحقا باذن الله। आपको बता दें कि हुती ने जो वीडियो क्लिप जारी की है उसमें दावा किया गया कि यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन को यमन के अल बायदा इलाके में हवाई क्षेत्र में इंटरसेप्ट किया गया और इसके बाद जमीन से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल को ड्रोन की दिशा में फायर किया गया। हुती के इस वीडियो में दिख रहा है कि मिसाइल सीधे जाकर ड्रोन से टकराती है और उसका मलबा जमीन पर गिर जाता है। आपको बता दें कि ये अमेरिका का 5वां ड्रोन है जिसे हुती ने मार गिराया है और इससे पहले 17 मई 2024 को हुती ने एम एरिब प्रांत के ऊपर MQ-9 ड्रोन मार गिराने की बात कही थी। और इन हमलों को लेकर हुती के प्रवक्ता याहया सारी ने कहा था कि हुती अमेरिका और ब्रिटेन की आक्रामकता का सामना करने के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करना होगा। ان القوات المسلحه اليمنيه مستمره في تطوير قدراتها الدفاعيه للتصدي للعدوان الامريكي البريطاني على بلدنا، واستمرارا في تنفيذ عملياتها العسكريه انتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزه। इससे पहले 15 मई 2024 को हुती ने ऐलान किया था कि उसने अमेरिकी युद्धपोत USS मैशन डिस्ट्रॉयर पर लाल सागर में हमला किया है। यह हमला कई एंटीशिप मिसाइलों से किया गया था। इसको लेकर हुती के प्रवक्ता याहा सारी ने कहा था कि यमन की नौसेना और मिसाइल फोर्स ने संयुक्त रूप से इसराइल की तरफ जा रहे डेस्टिनी मालवाहक जहाज पर भी हमला किया था। आपको बता दें कि यमन के हुती ने लाल सागर होते हुए इसराइल जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। हुती का कहना है कि इस रास्ते से होकर जो भी जहाज इसराइल या कब्जे वाले फिलिस्तीन की तरफ जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, और इसी को लेकर हुती ने लाल सागर में अपने चौथे चरण के हमलों की घोषणा की थी। हुती ने ऐलान किया था कि वो इस फेज में इसराइल और अमेरिकी जहाजों पर हमले का दायरा बढ़ा देगा, यानी कि अफ्रीका से गुजरने वाले केप ऑफ गुड होप रास्ते पर भी हुती हमले करेगा।